नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 3 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:22 से लेकर 12:40 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शनि के साथ नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, उसी प्रकार शुक्र और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दशम भाव के शनि के साथ व्यय भाव का जो शुक्र है, वो भी लाभ योग करने जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके आज आपको कुछ पैसे वगैरह मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर आपके जो घर के लोग होंगे उनके जो भी मांगे होंगी वो आज आप पूरे कर सकते हैं। उसके लिए पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। आपके के भाग्य भाव में से शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में से बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है, उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में से शनि के साथ लाभ भाव का जो शुक्र है, वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी आपने मन में ठाना था, जो भी बड़ी योजना आपके मन में थी, वो आज के दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसके संदर्भ में इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिनों में कई ऐसे बातें हो जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, तो बहुत अच्छा दिन है। आने वाले 2 से 3 दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में से शनि के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में से बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है, वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो आज के दिन आपको प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मन शांति जरूर मिलेगी। उसी प्रकार अगर आप ध्यान धारणा मार्ग में है, तो भी आज का जो दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जो कि आगे जाके आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप के सप्तम भाव में से शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में से बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में से शनि के साथ भाग्य भाव का जो शुक्र है, वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, कई प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। यदि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके दूरगामी जो रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर लाभ जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग रन इफेक्ट में आपने ऐसे कोई काम किया है जिससे आपको लाभ अभी तक नहीं मिला, तो वो लाभ आज के दिन आपको ज़रूर मिल सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आज के दिन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है, वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है, खास करके करियर के मामले में। अगर आपने करियर के बारे में कुछ बड़ा सोचा है, कुछ बड़ी ऐसी बात है जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो अब तक नहीं हो रहे थे, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थिति है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के पंचम भाव में से शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है, वो लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। किसी नई योजना पर काम कर रहे हो, उसके संदर्भ में कुछ नए इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ नई अच्छी बातें हो सकती है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी और सुगमतम देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के चतुर्थ भाव में से शनि के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में से बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ चतुर्थ भाव का जो शनि है, वो लाभ योग करने जा रहा है। तो आज के दिन आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। सेहत के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़दार होंगे उनके साथ आज आपकी हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी बड़े योजना पर अगर आप काम करके कर रहे हो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में छोटी मोटी बातें या फिर अड़चने आ रही है तो आज के दिन वो हाथ में ले लो, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे उनमें और आप में काफ़ी अच्छी जो हारमोनी है वो देखी जाएगी। आपकी जो मानसिकता है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। बहुत ही अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आप ही के द्वितीय भाव में सिद्ध शनि के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में सिद्ध बुध के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो वहाँ पर आपके काम की अच्छी अप्रिसिएशन हो जाएगी। करियर के बारे में अगर कोई नई प्लान्स आपने सोचे हैं वो भी आप आज के दिन इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आप ही के राशि में से शनि के साथ चंद्रमा नव पंचम योग करने के त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे आपको उसके आउटपुट मिल सकते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के व्यय भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा है वो भी केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोगों के उनके साथ आज आपके जो संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। आज आपको एक मन शांति वगैरह मिल सकती है, पूरी तरह से आराम भी मिल सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छी बातें हो जाएगी, काफ़ी आपका जो मूड होगा वो भी काफ़ी अच्छे देखा जाएगा। आर्थिक स्तर पर भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और व्यय स्थान में स्थित और आपके लाभ स्थान में स्थित शनि के साथ चंद्रमा लाभ नव पंचमी करने के त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो भी लाभ योग करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से कर लो। आपके मित्र परिवार में जो भी आपसे बुजुर्ग है, आपसे आयु में तो बड़े हैं, उनसे आज आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। आज का दिन थोड़ा सा बिजी साबित हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 3 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।